ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। खबर यह है कि उनके घर और दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। केजरीवाल के घर और दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन। कौशाम्बी स्थित केजरीवाल के घर ई रिक्शा वाले पहुंच गए, जहां सीएम केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की, उनकी समस्या सुलझाने का भरोसा दिया, वायदा किया। ई रिक्शा वालों का कहना है कि उन्हें इजाजत दे दी गई है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। सचिवालय में छात्र प्रदर्शन करने पहुंच गए। ये छात्र क्रांतिकारी युवा संगठन के हैं। ये छात्र अपनी क्लास को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज जैन। इस वक्त हम दिल्ली सचिवालय के ठीक बाहर की तरफ है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली सचिवालय में इस वक्त आ चुके हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो यहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं ओपन लर्निंग स्कूल के, वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या इनकी मांगे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इनका यहाँ पर जो तमाम लोग हैं काफी गुस्सा उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने ये कहा था कि इवनिंग क्लासेस की व्यवस्था दी जाएगी। क्या सर आप लोगों का विरोध है, क्या नाम है आपका ये बताइए, और किस लिए आप यहाँ पर आए? नाम आलोक है और मैं एसएल स्टूडेंट के छात्र के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हमारा ये मानना है कि दिल्ली सरकार की 28 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में है, और उन 28 कॉलेज में अगर ये इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं तो वैसी स्थिति में 1.25 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। और ये बात केवल ये नहीं है कि अभी सरकार बनी है, पिछले साल भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब हम लोग आए थे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम छात्रों का मुद्दा ये सुनेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि बहुत जल्दबाजी होगी? अभी 2 दिन ही हुए उनको काम संभाले हुए शपथ के बाद। देखिए छात्र हैं ये, 5 साल तो इंतजार नहीं कर सकते, हर साल इनका कीमती होता है। क्या ये इस साल फेल हो जाएं और 5 साल का इंतजार करें? और 22 कॉलेज में 28 कॉलेज दिल्ली सरकार का, इसमें जल्द से जल्द करेंगे।